एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं एंड देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, उनकी करेंट फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स को हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। और अगेन बता दूं कि मेरे चैनल का नेम चेंज होगा, ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई और चैनल है, ठीक है। हाँ, चैनल का नेम चेंज होगा क्योंकि नेम करेक्शन हुआ था पिछली बार, फिर इस बार नेम करेक्शन हो रहा है और आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, टू कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? आज मैंने डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। ओके, इसलिए सो यहाँ पे टू कार्ड्स अगेन निकले हैं। ओके, ठीक है, सो ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। ओके, अब मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। पहले हम आपकी फीलिंग्स को देख लेते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप ये रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, तो चलिए अब हम आपके कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं? डेविल, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं? ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, मून की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड मेरे पास द टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कार्ड्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं। तो साइन तो यहाँ पे नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि है ना, आपको अपनी साइन पता है, आपके पार्टनर का साइन बताऊंगी, लेकिन पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग 90% जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 90% लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में दरार आई है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हो गए हैं, जबकि आप दोनों की एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी फैमिली हुआ करती थी, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो। और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो भी मैं आपको बता दूं कि आप दोनों ने ये सपना ज़रूर देखा था। आप दोनों के बीच में ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी ज़रूर थी कि जो आपको एक फैमिली का एहसास दिलाती थी, या ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप ऐसा बनेगा, ऐसा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा कि कहते ना कि जैसे कि इसके जैसा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही जो है ये आपने सोचा था, आपने अपने आप को ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स ऐसी थी कि आपको ये वाली फैमिली चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है आपके रिश्ते में कि अब आप इतना परेशान हो गए हो, सेपरेशन हो गया है, आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक किया गया है, आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को किसी ने कंट्रोल किया है, किसी ने ब्रेन वॉश किया है, किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे तकरार होती रहती है। आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जब भी बातें होती है तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना होती ही होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो है जिस तरीके की फीलिंग्स या जिस तरीके के इमोशंस में है, द डेविल की एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि यस यस यस, आपको पता है कि आपके रिश्ते में जो दरार आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। कुछ लोगों को पता भी है कि किसने क्या किया है, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसने क्या किया है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहाँ कौन है वो थर्ड पार्टी,
है ना, ये भी पता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, कहीं शांत नहीं रह रहे हो, रातों को नींद भी नहीं आ रही अच्छे तरीके से, डर लग रहा है, एक होता है ना एंजाइटी, स्ट्रेस को फील कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में जब सोच रहे हो तो और ज़्यादा घबराहट हो रही है कि यार फ्यूचर ख़राब हो गया, या फ्यूचर नहीं बन सकता, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ चीट कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, तो वो वाली वाइब, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो जो रिश्ता है या जिस तरीके का रिश्ता है, उस तरीके के रिश्ते में आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है। क्लियरली बता दो, कोई खुशी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा है जैसे कि अंदर से जो है ना सिर्फ एक डर है कि उसने मुझे छोड़ दिया या छोड़ देगा वो या छोड़ देगी वो, है ना, ये टेंशन ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। आपके रिश्ते में आपको लेकर के जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जो पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, या आपके साथ जो अपना रिश्ता सही करना चाहिए, है ना, आपके पार्टनर वो सही नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे एंजाइटी स्ट्रेस लेकर के अपनी हेल्थ इश्यूज़, है ना, आपके हो रहे हैं। किसी किसी का मोटापा यहाँ पे बढ़ रहा है तो किसी किसी का यहाँ पे वेट कम हो रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। क्या होता है कि जो लोग टेंशन लेते हैं तो कभी कभी होता है ना कि हाँ हमारा जो है ना हेल्थ कभी बहुत ज़्यादा, है ना, वेट कभी हमारा बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है, ठीक है, टेंशन लेने से वेट भी गेन होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वही चीज़ें हो रही हैं आपके साथ भी, एंड मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत सीरियस हो, बहुत 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 सीरियस हो, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ। इतना सीरियसनेस आपके अंदर आ कैसे गई है, आप इतने सीरियस हो कैसे सकते हो, आपको ये भी मतलब अजीब लग रहा है सोच के। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये मतलब सही नहीं है अभी फ़िलहाल। आपके मन में जो कहते हैं ना कि मन में जो बातें हैं वो बातें लेके बैठे हो, किसी से बोल नहीं रहे हो, किसी से बता नहीं रहे हो, या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, ऐसी वाइब दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहिए लेकिन रियूनियन भी नहीं हो रहा है, आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से आप दिन रात वही सोचते रहते हो अपने पार्टनर के बारे में, तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है, आपको बेचैनी होती है, अंदर से जो एक खालीपन है वो फील होता है आपको, है ना। तो वो जो है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है ना आपको देख देख के और ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को देख रहे हो किसी थर्ड पार्टी के साथ, एंड थर्ड पार्टी के साथ जब आप देख रहे हो तो आपको टेंशन भी हो रही है और जेलसी भी हो रही है कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने मेरे साथ वैसे कर दिया, ठीक है, और अब जो है ये थर्ड पार्टी के पीछे पड़ा है या पड़ी है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये स्थिति अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर के कार्ड्स की, ठीक, तो इन कार्ड्स को मैं हटाती हूँ, आपके सामने ही हटाती हूँ। चलिए ये हो गए आपके कार्ड्स, अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर के कार्ड्स के। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं, अब हम देखते हैं कि कौन से कार्ड्स हैं। ओके 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 ओके, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं ये, सिक्स ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड मेरे पास है यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मैंने कहा था ना कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, पूरी तरीके से कंफर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन बता देती हूँ, जैसा कि मैंने कहा था साइन बताऊँगी, तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। तो बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना, इनके फीलिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं, इनकी कुछ फीलिंग्स इस प्रकार से हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही अंदर से मतलब अपने आप को, है ना, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में ये पर्सन पड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ
टाइम स्पेंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, एकदम कूल है ना बनने की कोशिश, और कूल बन भी रहे हैं, बहुत पार्टी शार्टी इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनको इनको इनकी है ना। यहाँ पे मुझे यही फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना कम कर रहे हैं, आपके तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। ठीक है, क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत रूड हो, बहुत ज़्यादा रूड, आपके जो रूल्स हैं या आपकी जो एनर्जी है वो इनको पसंद नहीं आती। ठीक है, क्यों पसंद नहीं आती? क्योंकि आप जो बातें हैं ना, वो पहले जो सॉफ्ट लैंग्वेज में बोला करते थे, सॉफ्ट तरीके से बोला करते थे, अब वही सॉफ्ट लैंग्वेज जो है आपकी बहुत रूड हो चुकी है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो और ये प्रैक्टिकल पर्सन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? तो थर्ड पार्टी दिख रहा है कि इनके मतलब ऑफिस से रिलेटेड कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और कोई फ्रेंड नज़र आ रहा है जो कि इनके साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है कई बार सोचते हैं कि ठीक है मैं इसके साथ ना रहूँगा, मैं जाऊँगा उसके तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को रोक देती हैं। देखिए, ये पर्सन की मदर एक तो प्रॉब्लम है, ठीक है, मदर इश्यूज़ भी हैं, साथ ही साथ थर्ड पार्टी जो है, अलग से थर्ड पार्टी भी है, तो वो चीज़ें भी हैं जो कि आपके पार्टनर को रोक देती हैं। मुझे यहाँ पे फीलिंग्स में काफ़ी क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन अपने आप को है ना, अपने आप को काफ़ी वीक महसूस करते हैं कभी कभी, स्पेशली नाइट के टाइम में। आपके सपने बहुत आते हैं आपके पार्टनर को, आपके सपनों में का आना या आपका जो है इस तरीके से बातें करना काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपका ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके सपनों में आ जाते हो ना, तो इनको लगता है कि यार अब हम मिल लेंगे। ठीक है, इनको लगता है कि हाँ चलो मुझे मिलना चाहिए, या चलो मुझसे बात करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, किसी से पूछताछ करनी चाहिए कि हाँ वो कैसा है या कैसी है कहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि इनको फोकस करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन फोकस नहीं कर पाते, जो कि बहुत गलत है। ये पर्सन चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, एंड ये पर्सन जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जानबूझ के इनसे हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अपनी कमियों को भी पहचान रहे हैं, अपने आप को भी पहचान रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं, ये पर्सन भली भांति जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बोला था शादी करने का, या अगर शादी हो गई है तो फिर बच्चे का ऐसा कुछ डिस्कशन आप दोनों के बीच में हुआ था। ठीक, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो, एंड काफ़ी ज़्यादा खुश होने के बाद से मुझे ये भी फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, मतलब एक होता है ना कि हाँ हमें ये चीज़ करना है, हमें वो चीज़ करना है ना, तो आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की वाइब मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि हाँ चलो ये अच्छा है, चलो वो अच्छा है, चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो वैसे कर लेते हैं, तो ये वाली एनर्जी जो है ना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर आपके लिए दुआ मांग रहे हैं। दुआ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे आप पहले थे वैसे हो जाओ। ठीक है, जैसे कि आप पहले सॉफ्ट हुआ करते थे, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हो, आप अपने हक की बातें करते हो, है ना, आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ जाए, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाए, तो आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और आपको वो चीज़ें बर्दाश्त होंगी भी कैसे। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं मतलब आपके दिल दिमाग में है कि नहीं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, है ना। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर देखा जाए तो देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो कि आई है, जो कि बता रही है कि देखिए आपके पार्टनर एक्शन डिसीजन लेने का जब भी सोचते हैं तो थर्ड पार्टी जो है इनको काफ़ी मैनिपुलेट करती है, थर्ड पार्टी इनको काफ़ी कंट्रोल करती है, थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करने वाली है और करती भी है। ठीक है, इश्यूज़ क्रिएट करना थर्ड पार्टी के बाएं हाथ का खेल है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है टेन ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं अपने आप में, कहीं ना कहीं ये पर्सन टूट गए हैं अपने आप में, कहीं ना कहीं ये पर्सन तकलीफ़ में है अपने आप को, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब चल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन को हालांकि न्यू बिगनिंग करनी है, एक्शन लेना है, आपको प्यार करना है, आपको मतलब प्रपोजल है ना देना है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बताती है कि प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल भी बहुत हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपके पार्टनर को ये तक नहीं समझ में आता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए तो कैसे हुए, है ना, और अब जो है इनको जो भी करना है बहुत ही प्रैक्टिकल होके करना है, क्योंकि ये पर्सन जो है ज़्यादा ऑप्शन रखेंगे या ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे या थर्ड पार्टी के साथ डील करेंगे तो इनको ये ज़रूर फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको खो देंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको खो देंगे क्योंकि ये पर्सन लालच में पड़ेंगे तो लालच बुरी बलाए है ना, तो आपके जो पार्टनर हैं कुछ इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि नो, है ना, इस तरीके का लालच नहीं करना है और अपनी ज़िंदगी के लिए बेस्ट पर्सन है ना चूज़ करना है। एंड आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि पर्सन आने वाले कुछ ही टाइम में ये पर्सन एक्शन लेंगे, विद इन 2 मंथ्स है ना आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, आपके लिए बात करेंगे। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, सो आई होप आप सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। सो करते हैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म, एंड आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट भी की होगी एंड अच्छी भी लगी होगी। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं मोबाइल नंबर के बारे में, आप अपने मोबाइल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर अच्छा है कि नहीं है, आपको PDF फाइल चाहिए उसका कि हाँ मैडम आप PDF फाइल ही दे दो, है ना, हमें हम समझ लेंगे, मैं आपको उसमें जो है वॉलपेपर रिकमेंड करूँगी, आपको कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए, आपको जो है क्या करना चाहिए अपने मोबाइल नंबर को सही करने के लिए, रेमेडीज़ भी होंगी उसमें। ठीक, तो अगर आप रेमेडीज़ के साथ PDF फाइल चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर का तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में लिखी रहेंगी और आप उसको आराम से पढ़ के वो वॉलपेपर जो है आप लोग डाउनलोड करके, है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मैंने भी यूज़ किया हुआ है, मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।